गाइस वेलकम टू द व्लॉग। और आप सब ठीक होंगे? आज हम आए थे चांदनी चौक की तरफ घूमने फिरने के लिए, कुछ काम हमका चांदनी चौक में छोटा मोटा, तो हम सोचा थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेते, घुमा फिरा भी देते हैं, फिर देखते हैं रात के साइड जामा मस्जिद भी जाएंगे। चांदनी चौक आए तो जामा मस्जिद जाना तो बनता ही है, क्योंकि वहाँ पर चिकन विकन एक नंबर इस चक्कर में। तो अब देखते इस साइड जा रहे हैं हम, थोड़ा कुछ काम वाम है वो काम निपटाते हैं, वो कुछ शॉपिंग थोड़ी बहुत करनी है, वो शॉपिंग वॉपिंग करके आपको मिलते हैं सीधा। घूमते फिरते कहीं जब रुकना होगा तो स्टॉप होता है, बाकी आप एक्सप्लोर तो हमारे साथ करते रहो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और भाई चांदनी चौक तो पहुंच चुके हैं, इतना अच्छा बना दिया ना चांदनी चौक पहले से, पहले इतनी भीड़ भीड़ रहती थी, अभी एक पत्थर वत्थर लगाने की बात ही है, बीच में एक तो प्लांट फ्लांट लगा दिए, इस चक्कर में खाली रिक्शे अलाउड कर दिए उन्होंने और बाइक स्कूटी जो मार्केट्स की होती है, वैसे बाइक स्कूटी भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, खाली बस रिक्शे अलाउड कर दिए, चक्कर में भीड़ बहुत कम हो गई है और घूमने पैदल में मज़ा भी आता है बहुत। ये हो गया, बस अपना काम ख़त्म करते हैं, फिर काम ख़त्म करके आपको मिलते हैं फटाफट। ओके गाइस, काम तो ख़त्म हो गया, कहाँ चांदनी चौक में काम था, और थोड़ा बहुत खाने पीने का देखते हैं, कुछ खाना पीना मिल जाए तो, वही धूम मंड रहा है कुछ खाने पीने के लिए। और अब पराठे वाली गली में घुसे हैं, इतनी भीड़ हो रही है पराठे वाली गली में, एक दुकान पे भी आधे आधे एक एक घंटे की वेटिंग है, लेकिन लेते हैं इस कोने से, एक कोने पर शॉप है वहाँ से नान वन लेते हैं, नान वन थक्की थाली लगाते हैं और फिर खाने के लिए बैठते हैं, देखते हैं यहाँ पर जगह मिल जाए तो फिर। और ये ना चांदनी चौक की फेमस डिश है दौलत की चाट, स्वीट डिश होती है, बहुत अच्छी होती है दूध की एकदम। गाइस ये ना शीशगंज गुरुद्वारा है, बहुत फेमस है चांदनी चौक का, दिल्ली का सबसे फेमस गुरुद्वारा है, एक अपना कराट प्लेस में है बंगला साहब और एक ये गुरुद्वारा शीशगंज बहुत फेमस है। गाइस घूमते घूमते बहुत थक गए, जब से घूम जा रहे मार्केट में, काम भी हो गया हमारा, हमने कुछ थोड़ा बहुत खाया था, नान वान खाए थे वहाँ पर, नान थाली वाली खाई थी लेकिन दिखा नहीं पाई, इतनी भीड़ हो रही थी, बहुत परेशान हो गया था, लेकिन वो खाई थी हमने, वो कुछ वहाँ की स्वीट डिश होती है चांदनी चौक की फेमस है दौलत की चाट, तो वो खाई थी हमने, थोड़ी मलाई मलाई सी होती है, दूध की मलाई सी होती है, वो कुछ झाग सा बनाते हैं, आपको दिखाई मैंने वीडियो में जो वही वाली होती है। अब यहाँ से निकलेंगे, पार्किंग जाएंगे, पार्किंग यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, पार्किंग में जाएंगे, उठाएंगे अपनी स्कूटी उठाएंगे और फिर निकलते हैं जामा मस्जिद की साइड, देखते हैं उधर भीड़ ना हो, थोड़ा वही रेस्ट कर रहे हैं हम, थोड़ा बैठ के रेस्ट कर लेते हैं, बैठा हुआ है, थक गया ना बहुत, बहुत थक गया, वही तक बस स्कूटी पर जाएंगे, स्कूटी बैठ के अपना निकलते हैं जामा मस्जिद की साइड, फिर वहाँ से थोड़ा फिर वहाँ देखते हैं कितनी भीड़ मची होगी, अभी गर्मी में तो मन निकल जाने का, थोड़ा सा थोड़ा रात बात हो जाए उसके बाद निकलेंगे वहाँ पर जाने के लिए। चलो आपको मस्जिद वहीं जाके मिलते हैं। अब गाड़ी न देख मेरे साले बागे सुआ सु पट्टे सबकी जिप कटे घोड़ा कर दूंगा तू कोई। और ये रहा लाल किला, इस लाल किले के अंदर भी इतनी भीड़ है ना, इतनी ज़्यादा। और ये आ गए हम जामा मस्जिद की गली में, ये रहा सामने जामा मस्जिद, ये गेट नंबर 3 है। गाइस ये होता है मोहब्बत शरबत, बहुत फेमस है, बहुत एक नंबर, सारी कोल्ड कॉफ़ी सारे लस्सी सब फेमस फेल है सामने, एक नंबर। और ये रहा जामा मस्जिद का फेमस कुरेशी कबाब कॉर्नर, जो पूरे जामा मस्जिद में फेमस है पुरानी दिल्ली में, अब यहाँ से कबाब देखते हैं, जगह तो मिल नहीं पा रही खाने के लिए, पैक ही कराएंगे। और ये सामने चिकन टिक्का रोस्ट हो रहे हैं और ये बगल में सीख कबाब आ रहे हैं, ये खुद ही बनाते हैं, मतलब कोई भी रेडीमेड नहीं आते हैं, खुद ही रोज बनते हैं कि रोज ही फ्रेश, हर फ्रेश माल होता है। और भाई जामा मस्जिद गए थे, जामा मस्जिद इतनी भीड़ हो रखी थी और खाने खड़े होने की जगह भी नहीं हो रही, खूब आ रही थी, तो हमने क्रोशी कबाब पे गए थे, वहाँ से कबाब पैक करा लिए थे, कबाब और टिक्का पैक कराया हमने, अब वो घर जाके खाएंगे, आपको घर जाके दिखा देंगे क्या क्या लिया हमने खाने के लिए वहाँ पे, वो घर जाके दिखाएंगे। अब हम कनॉट प्लेस की तरफ निकल रहे हैं, कनॉट प्लेस पहुँच के वहाँ से थोड़ा रश कम हो तो वहाँ पे थोड़ा डॉर्मेंट मार के घूम करके आपको मिलता है डायरेक्ट वहीं पर। ओके कनॉट प्लेस के सर्कल में ना बीच में कोई फंक्शन चल रहा है, मतलब ये फुहारे वुहारे का बहुत चल रहा है, तो बहुत भीड़ लगी हुई है साइड, आपको दिखाता हूँ ना कैसे कैसे सब कुछ है, आओ दिखाता हूँ।
चांद प्लेस के पार्क में इतनी भीड़ हो रही है ना, ये तो संडे का टाइम, ऊपर से आधे ज़्यादा वही है सारे इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले या वो प्रैंकस्टर्स होते हैं यूट्यूब के जो होते हैं, वही सारे सारे भीड़ बनी हुई है, आधे ऑफिस के हैं लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ पे तो। हम पहुंच गए थे वहाँ से, तो कनॉट प्लेस तो वापस आ गए थे दिल्ली से, अब नोएडा आ चुके हैं। नोएडा में कुछ खाने के देख लिया क्योंकि कनॉट प्लेस में तो बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत। हमने शॉप पे गए थे बर्गर वगैरह के लिए, बर्गर कोट खाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत भीड़ हो रही थी, तो कुछ नहीं करा हमने, दिल्ली से सीधा कनॉट प्लेस से नोएडा आए सेक्टर 27 में, फिर अपना बेस्ट फिट फूड पे आए, वही बर्गर और कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करा, वो आएगा उसको खा के फिर आपको डायरेक्ट मिलते हैं घर जाके। ओके, हमने यही बर्गर लिया, बर्गर का प्राइस देते ही हैं फिट फूड वाले, और ये कोल्ड कॉफ़ी ली थी दो बर्गर, और एक हमने पिज़्ज़ा पॉकेट कराई, वो आने वाली है थोड़ी देर में। गाइस हम ले आए थे घर पे, तो आ गए हैं, बस ये ले आए थे हम, ऐसे चिकन टिक्का लेके आए थे और ये कबाब, ये सीख कबाब, हाथ में वही चटनी वटनी दी थी, चटनी प्याज बस बस अब खाएंगे इसे, वहाँ तो खा नहीं पाया जहाँ जितनी भीड़ हो रही थी इस चक्कर में। और गाइस ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर टू माय चैनल, और ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी। तब तक के लिए बाय।